सोमवार मंडे के दिन जो नॉर्मली लोगों के लिए सबसे व्यस्त दिन, और वो भी सुबह सुबह समय निकाल कर हम सब यहाँ इकट्ठे हुए, ये किस बात का संकेत है? हम सब यहाँ इकट्ठे हुए ये किस बात का संकेत है? क्या लगता है कि अब हम अपने लिए कुछ करने के लिए तैयार हैं? नहीं, नहीं तो हम हमेशा कहते थे टाइम नहीं है, सुबह सुबह तो बच्चों के लिए खाना बनाना है, तैयार करना है, भेजना है, लेकिन उस सब के बीच अपने लिए टाइम निकाला तो सबसे बड़ी क्या कहें, महिमा कहें या शुक्रिया करें, वो तो आपका है जो आपने अपने लिए समय निकाला है। क्योंकि आज हर एक को एक आदत पड़ गई है, कुछ हद तक सत्य भी है, बाकी तो हम बोल बोल कर ही सत्य कर देते हैं। टाइम नहीं है, टाइम नहीं है, टाइम नहीं है, टाइम नहीं है, कोई भी चीज़ 8-10 बार बोल दो तो वो वैसे ही सत्य हो जाती है ना? तो फिर कुछ लोग तो कहते हैं मरने को भी टाइम नहीं है, कैसे बन जाता है कोई सेंटेंस, है ना, बोल बोल कर, जैसे कि उसके लिए कोई टाइम निकालना पड़ेगा, लेकिन बन जाता है। कोई एक बोलता है, बाकी सब तो उसको कॉपी कर लेते हैं, लाइन बन जाती है कि टाइम नहीं है। तो ये हमारे श्रेष्ठ कर्मों का फल होता है कि हमने अपने लिए टाइम निकाला। इसके लिए भी परमात्मा का शुक्रिया करते हैं। एक मिनट साइलेंस में बैठते हैं, अपने फ़ोन को भी साइलेंट करते हैं और फिर अपने मन को भी साइलेंट करते हैं। और अपने आप से पूछते हैं कि अगर मुझे अपने अंदर कोई एक आदत बदलनी हो तो वो कौन सी होगी? अपनी चेकिंग करने, मुझे अपने अंदर अगर एक आदत बदलनी हो तो वो कौन सी होगी? कौन सी मेरी आदत है जो मुझे तंग करती है? कौन सी मेरी आदत है जो दूसरों को भी दुख देती है? अच्छे से अपने को देखना, कौन सी आदत के कारण मेरा मन परेशान हो जाता है? ओम शांति। कुछ कुछ दिखा, कुछ दिखा, क्या दिखा, क्या दिखा, कौन सी आदत बदलना चाहेंगे, क्या दिखा, कुछ दिखी अपनी आदत? सारा दिन में दूसरों की आदतें दिख जाती है, इसको ये बदलना चाहिए, इसको ये बदलना चाहिए, इसको ये बदलना चाहिए। अभी अगर
ये बैठकर सोचना होता कि अपने आसपास के लोगों की कौन सी आदत बदलनी है, तो वो लिस्ट जल्दी बनती है। अपनी आदत कौन सी बदलनी है, कुछ दिखता है? क्या दिखा? कोई भी बताए, क्या दिखा? कुछ भी नहीं बदलना। हाँ, क्या दिखा? कोई भी आदत नहीं है जो तंग करती है, तो क्या दिखा, क्या बदलना है? Anybody? क्या? हाँ जी, हाँ जी। गुस्सा करना छोड़ना है। अच्छा, एक, किस किस के पास ये आदत है? तो फिर उसके लिए ताली बजानी चाहिए। सबसे पहले उसने सच बोला है। अच्छा, और कौन सी आदत बदलनी है? हाँ जी, हाँ जी, थोड़ा हिंदी में बता दो। ओ अच्छा, हाँ, वेरी गुड। और हाँ जी, हाँ जी, दूसरों को एडवाइस देना गलत बात है क्या? नहीं देनी चाहिए? देनी चाहिए, नहीं देनी चाहिए? देनी चाहिए, नहीं देनी चाहिए? दूसरों को एडवाइस देनी चाहिए, नहीं देनी चाहिए? नहीं देनी चाहिए। हाँ, ओहो, अगर उसकी कोई वैल्यू करे तो देनी चाहिए, नहीं तो नहीं देनी चाहिए। हाँ, और कोई उसकी वैल्यू करता है वो कैसे पता चलेगा? कोई उसकी वैल्यू करता है वो कैसे पता चलेगा? मतलब अगर वो उसको मानेंगे तो वो वैल्यू करते हैं, और नहीं मानेंगे तो वैल्यू नहीं करते हैं। हम जब एडवाइस देते हैं किसी को या राय देते हैं, तो किसके नज़रिए से देते हैं? हम जब राय देते हैं किसको, तो किसके नज़रिए से देते हैं? अपने। सामने वाला उसको मानेगा या नहीं मानेगा वो किसके ऊपर आधारित है? उसके ऊपर। अगर हमने एक बार कहा, सामने वाले ने नहीं माना, तो उसने हमारी वैल्यू नहीं की। फिर अगली बार बोलना या नहीं बोलना? अच्छा, बोलना, बट उसने वैल्यू ही नहीं की। ये लाइन अपने आप को कहकर कि उसने मेरी बात की वैल्यू नहीं की, हम खुद भी उदास हो जाते हैं और अगली बार उनको राय देना बंद कर देते हैं। तो अब वो देखेंगे कि वो करना कि नहीं करना। तो एडवाइस देना, गुस्सा करना, मनमानी करना, और कौन सी आदत बदलनी है? हाँ जी बहन, छोटी छोटी बातों पर अपसेट हो जाना। हाँ, किस किस के पास आदत है? अच्छा, और हाँ जी बहन, हाँ जी, किसी को क्षमा करना है तो अभी क्षमा नहीं कर पाते हैं। हाँ, और कोई बात नहीं आपने? और कोई बात? हाँ जी, माफ तो कर देते हैं, लेकिन उस बात को अपने मन से नहीं निकालते हैं। मन क्या कहता है? मन क्या कहता है? ऐसा मेरे साथ क्यों किया? और माफ कर दिया, ये कैसे पता चलेगा कि मैंने किसी को माफ कर दिया? मतलब मतलब इन्होंने गलती की, मैंने माफ कर दिया, मतलब मैं आपसे ठीक से बात कर रही हूँ, व्यवहार कर रही हूँ, लेकिन अंदर अभी भी दुखी हूँ, लेकिन मैंने आपको माफ किया कि मैं आपसे बात कर रही हूँ।
उनको तो माफ़ कर दिया लेकिन अपने आप को नहीं माफ़ किया, क्योंकि अपने आप से ठीक से बात नहीं कर रहे हैं। अब वो तो खुश हो जाएंगे कि ये मेरे से ठीक से बात कर रहे हैं, लेकिन हम तो दुखी रहेंगे ना, क्योंकि हम अपने आप से ठीक से बात नहीं कर रहे। तो माफ़ किया उसका भी मीनिंग देखना। और कोई बात रह गई? नेगेटिव थिंकिंग, वो ये सारी चीज़ें ही नेगेटिव थिंकिंग है। गुस्सा करना, अपसेट होना, माफ़ नहीं कर पाना, हर्ट होना, ये सब ही नेगेटिव है। और कोई बात बची? लोगों की छोड़ो, आप होते हैं क्या? और एक्सपेक्टेशन रखना तो नॉर्मल है। क्यों एक्सपेक्ट करें? तो लोगों से अपेक्षाएं रखें या नहीं रखें? अपेक्षाएं रखें या नहीं रखें? नहीं रखें। अपेक्षाएं रखे या नहीं रखे? अपेक्षाएं रखे नहीं रखे? अपेक्षा रखेंगे तो, और अगर आज अपेक्षाएं छोड़ दें तो ये सारे दुख खत्म हो जाएंगे। तो नहीं होगी ना तकलीफ, तो सारी तकलीफ का जड़ अपेक्षा। और अपेक्षा हटा दी तो फिर हम खुश रह पाएंगे? हम खुश रह पाएंगे? तो फिर छोड़ देते हैं अपेक्षा रखना। आज मुश्किल क्या है? मुश्किल क्या है? जब ये पता चल गया कि अपेक्षा रखने से दुख होता है, और अगर अपेक्षा हटा दी तो दुख खत्म हो जाएगा, तो अपेक्षा रखना छोड़ देते हैं। छोड़ सकते हैं? नहीं छोड़ सकते। अच्छा, एक एग्जाम्पल दो, अपेक्षा कौन सी हम लोगों से रखते हैं? कोई भी एग्जाम्पल, अपेक्षा, एक्सपेक्टेशन, क्या एक्सपेक्ट करते हैं लोगों से? एग्जाम्पल, एनीबडी, एक एग्जाम्पल। हाँ जी, हमारा बच्चा आगे बढ़े, रुका तो वो हुआ भी नहीं है, रुका तो कोई हुआ भी नहीं है, लेकिन आगे बढ़े किसके अनुसार? मेरे अनुसार। वो आगे बढ़ रहा है किसके अनुसार? उसके अनुसार। हम चाहते हैं वो आगे बढ़े किसके अनुसार? मेरे अनुसार। वो आगे बढ़ेगा किसकी क्षमता के अनुसार? अपनी क्षमता के अनुसार। उसकी क्षमता मेरी क्षमता के साथ मैच? उसकी क्षमता मेरी क्षमता के साथ मैच नहीं करेगी। दो लोग सिर्फ चल रहे हैं, लेकिन दोनों की चलने की स्पीड अलग अलग होगी, लेकिन दोनों अपनी क्षमता से, दोनों अपनी क्षमता से सही चल रहे हैं, लेकिन हमने कहा आप मेरी स्पीड पे चलो, और अगर आप मेरी स्पीड पे नहीं चलोगे तो मैं दुखी हो जाऊंगा। अब देखेंगे क्या होता है। सिर्फ चलने में देखते हैं, जीवन जीने में नहीं देखते। दो लोग चल रहे हैं, ये बच्चा है, ये पिता है। अब पिता फास्ट चल सकता है, बच्चा धीरे चलता है। पिता चाहता है कि बच्चा मेरी स्पीड पर फास्ट चले, लेकिन बच्चे की स्पीड थोड़ी सी कम है। पिता परेशान हो जाता है, उदास हो जाता है, उसकी एक्सपेक्टेशन नहीं मीट होती, तो पिता की वाइब्रेशन कौन सी हो जाती है? सोच कैसी हो जाती है? कैसी हो जाएगी? दर्द वाली हो जाएगी, दुख वाली हो जाएगी। कैसे कैसे विचार आएंगे? कैसे कैसे विचार करते हैं हम अपने बच्चे के लिए? इसका क्या होगा, सब तेज चल रहे हैं कि यही धीरे चल रहा है, मेरे बच्चे का क्या होगा, मेरे बच्चे का क्या होगा। हम अपने बच्चे को आशीर्वाद रोज दे देते हैं, तेरा क्या होगा, देते हैं कि नहीं देते? इसका तो कुछ नहीं हो सकता। फिर हम एक और आशीर्वाद देते हैं, ये तो पीछे ही रह जाएगा। क्या हमारे आशीर्वाद सिद्ध हो सकते हैं?
क्या हमारे आशीर्वाद सिद्ध हो सकते हैं? क्या हमारे आशीर्वाद सिद्ध हो सकते हैं? तो बार बार ही करते हैं। एक माता पिता बच्चे के बारे में दिन में दो बार तो सोच ही लेते होंगे, उससे कई बार सोचते होंगे और रोज सोचते हैं। तो सोचो, एक पीछे चल रहा है, एक आगे चल रहा है, दिन में सिर्फ 5 बार उसको ये थॉट दे दो, तेरा क्या होगा, तेरा क्या होगा, तू तो पीछे ही रह जाएगा, तू तो कोई काम का ही नहीं है। कितनी बार भी समझाओ, धीरे ही चलता है, थोड़ा तो तेज चल, ये भी कोई स्पीड है, तेरे से तो पूरी दुनिया आगे चली जाएगी। ऐसे भारी भारी वरदान देते। अब सोचो, कोई हमें ऐसे विचार देता जाए, देता जाए, देता जाए, तो क्या हमारी मन की स्थिति पे थोड़ा असर पड़ेगा उसका? थोड़ा थोड़ा पड़ेगा। जैसे हमारे मन की स्थिति पर असर पड़ेगा, हमारी जीवन में चलने की स्पीड बढ़ जाएगी? बढ़ जाएगी? नहीं, घट जाएगी। पहले जिस स्पीड पे चल रहे थे, ये चिंता, ये डर, ये संकल्प मिलने के बाद, उस बच्चे के चलने की स्पीड, उस बच्चे के चलने की स्पीड और कम हो जाएगी। वन। दूसरा, बार 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 ऐसे बोल बोल के हमारा उसके साथ रिश्ता, हमारा उसके साथ रिश्ता वो भी बिगड़ जाएगा। ये सब कुछ होने के बाद उसकी सफलता और अच्छी हो जाएगी? नहीं। अब हम अपनी स्पीड पे चलते हैं, बच्चा अपनी स्पीड पे चलता है। क्या कोई भी दो लोगों की स्पीड, स्पीड मतलब संस्कार, सोच, बोल, व्यवहार, जीवन जीने का तरीका, नज़रिया एक जैसा हो सकता है? अगर हम इधर हैं, बच्चा पीछे है, हमारे से आगे भी तो बहुत लोग हैं, हमारे से आगे भी तो बहुत लोग हैं, तो वो जो हमारे से आगे हैं उनके कंपैरिजन में हम पीछे हैं। लेकिन हमें लगता है जिस स्पीड पे हम चल रहे हैं वो बिल्कुल सही है। जो हमारे से आगे होते हैं हम उनके लिए कहते हैं बहुत आगे है, जो पीछे है बहुत पीछे है। कौन सही है? कौन सही है? मैं। और ये राइट है बात। हर एक को सिंपल देखते हैं। घर सफाई रखने का बहनों को शौक होता है, कोई अपना घर एवरेज साफ रखता है, कोई अपना घर सफाई नहीं रखता, जो सामान जहाँ पड़ा है जहाँ पड़ा है। तो जो सफाई रखता है वो दूसरे को देखता है और वो कहता है कितना गंद मचा के रखा हुआ है, घर भी साफ नहीं करते, क्योंकि मुझे सफाई बहुत पसंद है। लेकिन कोई और होता है जो बहुत ज़्यादा सफाई रखता है, तो उनको हम देख के कहते हैं कैसे है, इतनी ज़्यादा सफाई रखने की क्या ज़रूरत है, थोड़ा तो कुछ नॉर्मल रखो ना, इतना सफाई 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 सफाई, बंदा हिले भी कि नहीं हिले, तुम्हारे यहाँ तो हिलेंगे तो गंदा हो जाएगा। तो ये एक नॉर्मल संस्कार है कि जो मेरे से ज़्यादा है वो भी ठीक नहीं लगता, जो मेरे से कम है वो भी ठीक नहीं लगता। कौन सही लगता है? और ये होना ही है, क्योंकि वो मेरा संस्कार है, तो मुझे हर चीज़ अपने संस्कार के नज़रिए से दिखाई देगी। मैं सच बोलती हूँ तो जो झूठ बोलता है वो मुझे ठीक नहीं लगता, लेकिन जो हमेशा सच बोलता है, कभी भी थोड़ा सा भी इधर उधर नहीं करता, तुम कहते क्या प्रॉब्लम है यार, थोड़ा सा भी चेंज नहीं करता, इतना सच बोलने की क्या ज़रूरत है, बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? तो हमें कौन सा संस्कार सही लगता है? अपना संस्कार। ऐसे ही उनको कौन सा संस्कार सही लगेगा? उनको कौन सा संस्कार सही लगेगा? अपना संस्कार। किसी को भी, बच्चों को नहीं, सिर्फ किसी को भी बार बार ये कहना ये गलत है, आपका संस्कार गलत है, आप जो कर रहे हैं वो काफ़ी नहीं है, वो उस आत्मा को क्या देना हुआ?
क्या देना हुआ, क्या देना हुआ? किसी को बार 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 टोकते जाओ, ताना भी मारो, डांटते भी जाओ, निंदा भी करो, मजाक भी उड़ाओ, और मुख से नहीं करो तो मन से तो करते ही जाओ, तो उनका तो नुकसान होगा सो होगा, लेकिन सबसे पहला नुकसान किसका होगा जो वो कर रहा है। और फिर हमें आदत पड़ जाती है, तो हम एक के लिए नहीं करते, दूसरा दिखता है उसके लिए भी करते हैं, तीसरा दिखता है उसके लिए भी करते हैं। हमें आदत पड़ जाती है ये कहने की, ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है। हम टीवी देख रहे हैं तो टीवी पे जो लोग आ रहे हैं उनको भी बोलते हैं ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है, आसपास के तो छोड़ो। गलत 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 निंदा करना, किसी को गलत ठहराना, इसकी आदत पड़ जाती है। इससे नुकसान किसका होगा, नुकसान किसका होगा? हमारा अपना नुकसान होगा। अब इसको ठीक कैसे करें? सबसे पहले हमेशा हर दिन बार बार अपने आप को याद दिलाना, मेरा संस्कार और इनका संस्कार क्या है, मेरा संस्कार और इनका संस्कार क्या है। दरवाजा बंद कर देंगे अब। मेरा संस्कार और इनका संस्कार क्या है? अलग है। किसी के भी संस्कार को गलत, किसी के भी संस्कार को गलत नहीं बोलना। मन को ये ताकत दो कि जहां हमें देखने की जरूरत नहीं है वहां हमारे मन को जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो मन बार बार हिलेगा उसकी ताकत क्या होती जाएगी, उसकी ताकत क्या होती जाएगी, घटती जाएगी। और सारा दिन में हम बहुत सारा ऐसा कर देते हैं, जहां हमारे मन को जाने की जरूरत नहीं वहां उसको जाने देना नहीं। इनका संस्कार और मेरा संस्कार क्या है, इनका संस्कार और मेरा संस्कार क्या है? अलग, अलग है या वो गलत है, वो गलत है या सही है, वो गलत है या वो सही है, वो वेरी गुड। तो वो तो अपनी जगह ही बैठेगा हमेशा, तो वो अपने नजरिए से सही है, हम अपने नजरिए से सही है, तो दोनों में से गलत कौन है? सब लोगों को सोच के याद करके फिर बोलना। कभी किसी के संस्कार को गलत कहा? कभी कहते हैं किसी के संस्कार को गलत कहते हैं सारा दिन में? हाँ, लेकर आओ किसी एक को अपने सामने, अभी लेकर आओ उसको यहाँ पर, जिसका संस्कार आदत हमारे से बिल्कुल बिल्कुल अलग है। याद आया कोई? किस किस को कोई याद आ गया, हाथ उठाओ। आ गए? बस पांच लोगों को याद आए, बाकी को कोई याद नहीं आया अभी तक। याद करो उनको पहले, नहीं तो आगे नहीं बढ़ेंगे। अभी आ गए याद? एक ही को ढूंढना, ज्यादा ढूंढना नहीं, एक और एक की एक आदत, एक और एक की एक आदत सिर्फ। दिख गया? वो आदत मेरी आदत से बिल्कुल बिल्कुल ऑपोजिट है, लेकिन वो आदत, वो संस्कार उस आत्मा का बना है। कब बना, क्यों बना, हमें नहीं पता। कभी तो बना, इस जीवन में बना या पहले किसी जन्म में बना, लेकिन बना। वो आदत, वो संस्कार उस आत्मा को कैसी लगती है? वो आदत, वो संस्कार उस आत्मा को कैसा लगता है?
हमारी आदत हमको कैसी लगती है? सही। लेकिन हम एक दूसरे को सारा दिन क्या बोलते रहते हैं? रिश्ते बिगड़ जाते हैं। रिश्ते बिगड़ने का सबसे इजी तरीका, दूसरे को बोल दो आप गलत, और फिर सिर्फ आप गलत नहीं, आप बुरे। सामने वाला कहता है आप बुरे, हो गया ना रिश्ता, हो गया ना। आप सही लेकिन मेरे से अलग, यह है सम्मान। आप गलत, यह है अपमान। और जैसे ही हमने किसी की डिसरिस्पेक्ट की, सिर्फ मैंने बोला भी नहीं, सिर्फ यहां से सोचा आप गलत, कैसे है, क्या अजीब आदत है इनकी, ऐसे भी कोई होता है क्या, कैसे कैसे हम सोचते हैं किसी के लिए, तो वो हमारी सारी सोच उन तक। अब जैसे हमारी सोच यहां से जाती है, वहां से कौन सी सोच आने वाली है, ये कितने अजीब है। तो हम दोनों एक दूसरे को एक ही घर में रहते हुए क्या भेज रहे होते हैं? और जब ये एनर्जी एक दूसरे को रोज और दिन में कई बार 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 जाती रहे, तो उस रिश्ते का फाउंडेशन, उस रिश्ते का फाउंडेशन, और वो रोज कमजोर होता है। एक बार नहीं, रोज रोज रोज। आज एक शब्द को हटाते हैं, वो गलत, और उस शब्द की जगह क्या डालते हैं, उस शब्द की जगह क्या डालते हैं, वो मुझसे अलग, अपने नजरिए से सही। अब ये वाइब्रेशन देकर जब किसी को राय दी जाएगी, बच्चे को भी, तो वो राय स्वीकार तो करेगा, क्योंकि राय से पहले उसको क्या दे दिया है, प्यारी प्यारी अच्छी एनर्जी। लेकिन किसी के लिए सोचो आप गलत आप गलत आप गलत, और फिर उसको अच्छी राय दो, वो तो राय यहाँ तक भी नहीं पहुँचेगी। ये इतने सुंदर फूल हैं, लेकिन ऐसे दिए, ए लो, तो मैं कहूँगी आप अपने पास ही रखो। राय नहीं इम्पोर्टेंट है, राय देने का तरीका। गिफ्ट इम्पोर्टेंट नहीं होता है, गिफ्ट देने का तरीका, भावना, इंटेंशन, सोच। गिफ्ट कितना भी महंगा हो, ठीक से ना दिया हो पसंद नहीं आएगा। और कितनी ही छोटी चीज़ हो लेकिन प्यार और सम्मान से दी हो तो बहुत अच्छी लगेगी। राय कितनी भी अच्छी हो लेकिन डिसरिस्पेक्ट से दी है, मतलब दूसरे को गलत सोचकर ठहरा कर फिर दी है, तो दूसरे ने पहले ही हमें गलत ठहरा दिया है। अगर मैं यहाँ से एक सोच आपको भेजो आप गलत, आपके वहाँ से आएगी आप गलत, तो जब आपने मुझे गलत ठहरा दिया तो मेरी अच्छे से अच्छी राय भी गलत ही होने वाली है। तो वो सिर्फ क्या है, हमसे 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 अलग। लेकर आऊं उनको फिर से सामने, दिख गए दिख गए। और उनको एक बहुत पावरफुल अभी संकल्प भेजो, आपका संस्कार मुझसे मुझसे अलग, मैं आपको आप जैसे हैं वैसे स्वीकार करती हूँ। स्वीकार करना मतलब ये नहीं कि उनको हम राय नहीं देंगे, लेकिन आपको स्वीकार करती हूँ मतलब आपकी आदत देख देख कर मैं यहाँ कुछ परेशान नहीं होने वाली हूँ। सपोज ये प्लास्टिक फूल है, ये इसकी आदत है, ठीक है, प्लास्टिक इसकी आदत है, हाँ, अगर मैं इसको चेंज कर सकती हूँ तो चेंज कर दो, अगर नहीं चेंज कर सकते हो तो इसको क्या करूं? अगर चेंज कर सकते हैं तो चेंज कर दे, अगर नहीं चेंज कर सकते हैं तो क्या करें? इसको स्वीकार करें, मतलब इसको देख देख कर
ये प्लास्टिक क्यों है, प्लास्टिक क्यों है, समझ में नहीं आया, असली फूल रखने थे, प्लास्टिक भी कोई रखता है, उससे उसको कुछ नहीं होने वाला, वो तो जैसा है सुंदर वैसा ही रहेगा। लेकिन कौन परेशान और दुखी हो जाएगा, क्योंकि मैंने अपेक्षा रखी कि ये वैसा होना चाहिए था जैसा मुझे अच्छा लगता है। तो जब तक ये वो नहीं होगा जो मुझे अच्छा लगता है, तो मेरा मन क्या करता गया, बोलता गया, बोलता गया, बोलता गया, बोलता गया, और जितना अंदर ये बोलता गया, आत्मा की शक्ति क्या होती गई, आत्मा की शक्ति क्या होती गई, घटती गई, घटती गई, घटती गई, दुख आता गया, बीमारी आती गई। क्या हम इसको स्वीकार कर सकते हैं, क्या हम इसको स्वीकार कर सकते हैं? क्या लोग हमारे अनुसार हो सकते हैं, क्या लोग हमारे अनुसार हो सकते हैं, क्या हमारे बच्चे हमारे अनुसार हो सकते हैं? नहीं तो फिर हम अपनी शक्ति क्यों नष्ट करते हैं? और सिर्फ शक्ति नष्ट नहीं करते, रिश्ते बिगाड़ देते हैं। अगर हम इसी फूल को वो जैसा है वैसा स्वीकार करें, मतलब हम इसके लिए कोई भी ये संकल्प ना करें, गलत है, गलत है, गलत है, गलत है, पहले ये ठीक हो जाएगा और फिर मन को ठीक रखकर इसको जो ठीक करना है वो भी कर देंगे। हमारी तरफ से हर एक को सम्मान की सोच जानी चाहिए, वो किसी भी रिश्ते की फाउंडेशन है। आप ज्यादातर रोज सुबह कितने बजे उठते हैं? एवरेज 5-6। अब हम उठते हैं 3:30। अब मैं यहां से बैठकर आपको बोलूं 5 बजे उठते हो, कोई टाइम है उठने का? 5 बजे कौन उठता है? 5 बजे तो आधा काम खत्म हो जाता है मेरा। बड़े गलत हो आप 5 बजे उठते हो। मैं सोच सकती हूँ ऐसा, क्योंकि आप मेरे वाले टाइम पे नहीं उठते। तो जो मेरे वाले टाइम पे नहीं उठता वो गलत। कर सकती हूँ मैं ऐसा? अब मैंने यहाँ से सोचना शुरू किया, सोचना शुरू किया, सोचना शुरू किया, तो वहाँ से पता है क्या आने वाला है? आप बोलोगे आपको नींद नहीं आती, आप आधी रात को उठ के बैठ जाते हो। इतना अजीब कौन होता है जो 3:30 बजे उठ के बैठ जाए? गोली खाओ नींद नहीं आ रही तो। दिस इज़ हाउ वी स्टार्ट रिश्ता। अगर एक ने दूसरे को गलत सोचा तो दूसरा भी मेरे लिए गलत ही सोचेगा, और ये शुरू हो गया। अब चेंज, चेंज। 3:30 उठना मेरे लिए सही है। आपकी आदत 5 बजे उठने की आपके लिए, आपके लिए बिल्कुल सही है। अगर मैंने ये थॉट क्रिएट की आपका संस्कार 5 बजे उठने का आपके लिए सही है, तो आपने वहाँ से थॉट क्रिएट करनी है, आप जो कर रहे हैं जीवन में 3:30 आपके लिए ठीक है। वाइब्रेशन चेंज, वाइब्रेशन चेंज हो गई। अब इतनी अच्छी अच्छी वाइब्रेशन एक दूसरे को दे के, सम्मान दे के, मैंने आपको धीरे से कहना है, एक बार 4 बजे उठ के देखो सुबह कैसा लगता है। तो राय सुनने के चांसेस बढ़ जाते हैं, थैंक यू, और राय मानने के चांसेस बढ़ जाते हैं। लेकिन अगर मैंने बोला आप गलत हो और फिर बोला 4 बजे उठ के देखो कितना अच्छा होता है, तो वो यहाँ तक भी नहीं पहुँचती राय। सुनना, समझना, मानना तो बहुत दूर है, क्योंकि आपको गलत बोल के फिर अच्छी राय दी। बच्चों के साथ भी यही करते हैं, यही करते हैं। जब बच्चा छोटा होता है तो हमें उसकी हर बात अच्छी लगती है, तो हम उसको स्वीकार करते हैं। जब वो थोड़े बड़े हो जाते हैं तो हम कहते हैं ये गलत, ये गलत, ये गलत, तो वो भी हमको कहने लग गए आप गलत।
फिर हमने कहा बच्चों और माता पिता के बीच में क्या हो गया, जेनरेशन गैप। कोई भी पेरेंट और बच्चे के बीच में कोई जेनरेशन गैप नहीं है, एक ही गैप है। दोनों एक दूसरे को गलत कह रहे हैं क्योंकि दोनों एक दूसरे से अलग हैं। माता पिता पेरेंट्स हमेशा सही होते हैं, होते ही हैं। कोई भी पेरेंट अपने बच्चे के लिए गलत सोच ही नहीं सकता। बच्चे सही होते हैं, बच्चे सही होते हैं। हाँ जी, वो सही है। हाँ, आप उसको रोज बताते हैं कि वो सही है? क्या आप उसको रोज बताते हैं कि वो सही है? नहीं। और क्योंकि हम उसको रोज बताते नहीं कि वो सही है, हम उसकी आत्मिक शक्ति को रोज घटाते जा रहे हैं। उसको राय देना, उसकी आदतें बदलना हमारी जिम्मेवारी है। उसको डिसिप्लिन सिखाना, उसको अच्छी तरह से पढ़ाई कराना, वो हमारी जिम्मेवारी है। लेकिन हमारी सबसे पहली जिम्मेवारी है उस आत्मा को स्ट्रांग बनाना। किसी भी बच्चे का पढ़ने की जगह खेलने या टीवी देखने का मन करना गलत है या सही है? गलत है या सही है? सही है। लेकिन उस टाइम हम उनको बोलते हैं आप गलत हो। आप उनको बोलो आप सही हो। किसका मन करता है पढ़ने का? हर एक का मन करता है टीवी देखने का, खेलने का। लेकिन हमको पढ़ना तो है। आप सही हो लेकिन हमें पढ़ना है। लेकिन हम कहते हैं आप गलत हो अब पढ़ो। दोनों बातों में बहुत फर्क है। बच्चे को बार बार आप गलत हो करने से उसका स्वमान क्या हो जाता है? कोई बच्चे का कुछ खाने का मन नहीं करता, हम कहते हैं गलत है, ये खाता नहीं है। आपको आई अंडरस्टैंड तुम्हारा खाने का मन नहीं करता, आपको अच्छा नहीं लगता होगा, आपकी चॉइस नहीं है ये, आपको पसंद नहीं आता, आई अंडरस्टैंड, लेकिन खाना तो है। मतलब आपको स्वीकार किया, आपकी आदत को बदला। लेकिन आपको ही स्वीकार नहीं किया तो आपकी आदत को कैसे बदलेंगे उसके बाद? क्योंकि अगर हमने उसको स्वीकार नहीं किया तो उसने भी हमको स्वीकार नहीं किया। सबसे ज़्यादा तो बच्चों के साथ ही होता है ये सारा दिन में, होता है कि नहीं होता? कौन सी बात के लिए मम्मी पापा कहते हैं गलत है? खाने के मामले भी गलत है, और कोई चीज़ में? पढ़ाई के टाइम भी गलत है, और कोई? ऑफिस में भी गलत है, और बात, ये लाइन को देखते हैं, बात बात में ईगो बीच में आता है। ईगो क्या है? ईगो क्या है? मैं सही हूँ आप गलत हैं। तो एक का ईगो आया, मैं सही हूँ आप गलत हैं। दूसरे का भी ईगो आया, मैं सही हूँ आप गलत हैं। ईगो और ईगो टकराते हैं दोनों लोगों के रिश्ते। और यही अगर हमने कहा आप सही हो, आई अंडरस्टैंड, ये आपकी नेचर है, ये आपकी चॉइस है, ये आपका संस्कार है। कोई भी दो आत्माओं के संस्कार एक जैसे नहीं हो सकते। हो सकते हैं किसी के संस्कार एक जैसे? हो सकते हैं? नहीं। बच्चे आप स्टैंड करो एक मिनट। एज बताओ अपनी। 26। हर एक अपनी एज सोचे, क्या एज है आपकी? ठीक है, ये एज क्या चीज है? ये एज है जब से ये आत्मा इस शरीर में है। आपने जो टी शर्ट पहनी है उसकी क्या एज है? कितनी पुरानी, कितनी नई? 200
टू मंथ्स, अब बैठो, जो कपड़ा पहना है उसकी एज कितनी, जो कपड़ा पहना है उसकी एज कितनी, टू मंथ्स, जो ये कपड़ा पहना है उसकी एज कितनी, 26 साल, उसकी एज कितनी है, ये ड्रेस की 2 महीने, ये ड्रेस की 26 साल, उसकी एज कितनी है जिसने 26 साल से ये ड्रेस पहनी है। कितनी है? 26 साल पहले कहाँ थी वो? 26 साल पहले वो कहाँ थी? वो एक 100 साल की एज की ड्रेस में थी। 100 साल उसने एक और ड्रेस पहनी। उससे पहले वो कहाँ थी? उससे पहले वो एक और ड्रेस में थी। 100 साल उसमें थी। उससे पहले वो कहाँ थी? एक और ड्रेस में थी। 100 साल वहाँ थी। ऐसे 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 करते कितने? हर ड्रेस में माता पिता अलग, हो सकता है शहर देश भी अलग, संस्कृति भी अलग, माहौल भी अलग, संस्कार अलग, फिर उसने ड्रेस चेंज की, माता पिता अलग, माहौल अलग, संस्कार अलग, ऐसे करते 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 कितने संस्कार बने। अब वो ये ड्रेस में आई, माता पिता अलग। अब पिछली बार के माता पिता को कुछ और सही लगता था तो उन्होंने कोई और संस्कार बना दिया, अब वो संस्कार लेकर वो इस घर में आई, इस घर के माता पिता को कुछ और अच्छा लगता है। फर्क दिखता है? फर्क दिखता है? हर एक को देखो, ये मेरा पति, मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, ये जो मेरे मेरे सबको कहते हैं, ये आत्मा है जो एक लंबी जर्नी पर है, एक शरीर लेती है, दूसरा लेती है, तीसरा लेती है। किस किस के 2 बच्चे हैं, मतलब एक से ज़्यादा बच्चे हैं, किस किस के? अच्छा, और किस किस के दोनों बच्चे एक जैसे हैं? नहीं, उसी से चेकिंग नहीं हो जाती है? चेकिंग नहीं होती कि दोनों पहले क्षण से हमारे घर में हैं, हमने सब कुछ दोनों को एक जैसा दिया, स्कूल भी एक ही भेजा, माहौल भी एक ही है, सब कुछ सेम है, ये 2 बच्चे अलग अलग क्यों हैं? क्योंकि ये 2 बच्चे इससे पहले अलग अलग माहौल में थे, अलग अलग माता पिता के पास थे, अलग अलग वातावरण में थे, तो वो जो पास्ट से लेके आए हैं संस्कार, वो बिल्कुल अलग है। तो हर एक को देखो, ये आत्मा है, ये आत्मा है, ये आत्मा है। सिर्फ सत्संग में जाकर नहीं होता, आत्मा है, घर में सारा दिन देखना है, ऑफिस में देखना है, ये आत्मा है, ये आत्मा है, ये आत्मा है। आत्मा है मतलब इसकी लंबी जर्नी है, जर्नी है मतलब बहुत सारे संस्कार हैं। तो कोई भी 2 आत्माओं के संस्कार एक जैसे हो सकते हैं? कोई भी 2 आत्माओं के संस्कार एक जैसे हो सकते हैं? नहीं हो सकते। ये बात भी अगर आज पक्की कर ली तो मेजॉरिटी दुख तो इधर ही खत्म हो जाएंगे, क्योंकि सारा दुख यही है कि आपके वाले संस्कार मेरे वाले संस्कार से मैच क्यों नहीं करते। अब सिर्फ हमारे बच्चे के संस्कार हमसे अलग हैं, फिर 25 साल के बाद एक और कन्या हमारे घर आई बहू बनकर, हमने तो कहा उसके भी संस्कार हमारे जैसे होने चाहिए। वो तो इस 25 साल में भी हमारे घर में नहीं थी, उसके माता पिता ने कुछ और सिखाया था। क्या वो गलत है? वो गलत है? नहीं, गलत शब्द को डिक्शनरी से, क्योंकि वो ही रिश्तों को कमजोर बनाता है, डिसरिस्पेक्ट है, और रिस्पेक्ट ही हर रिश्ते की फाउंडेशन है। तो जब आत्मा है और संस्कार है ये याद रहता है, तो हर एक को स्वीकार करना इजी है, इजी। किसके किस जन्म में किस कारण से कौन सा संस्कार बना हमें नहीं पता। किसी बच्चे को पानी से डर लगता है, लगता है। किसी बच्चे को अकेले कमरे में डर लगता है, किसी बच्चे को तो वैसे ही डर लगता है,
दूसरा बच्चा आपका बहुत कॉन्फिडेंट है, उसको किसी से डर नहीं लगता है, होता है ऐसा? तो फिर जिसको डर लगता है हम उसको बोलते हैं डरपोक है ये, और फिर उसको बोलते हैं उसको देख उसको लगता है कोई डर, तुमको ही क्यों डर लगता रहता है, ये बोल बोल के हम उसको क्या करते जाते हैं, पिछले शरीर में उस आत्मा के साथ क्या हुआ था, कौन सी परिस्थितियों में उसने शरीर छोड़ा था, ये हमें नहीं पता। आज सारा दिन दुनिया में देखो क्या क्या हो रहा है, कहीं टेररिस्ट अटैक हो रहा है, उसमें भी लोग शरीर छोड़ रहे हैं, कोई शरीर छोड़ते हैं उसमें, अर्थक्वेक आता है शरीर छूटता है, एक सीन लेकर आ जाओ, अर्थक्वेक आ रहा है कैसे शरीर छूटता है, दिखता है परिवार जा रहा है, दिखता है घर खत्म हो रहा है, ऐसे हाथ से कोई खिसक जाता है शरीर छोड़ते हैं, अंतमति यहाँ क्या रिकॉर्ड हुआ, क्या रिकॉर्ड हुआ। अब ये आत्मा ये सीन देखकर रिकॉर्ड करके दूसरे कॉस्ट्यूम में जाती है, छोटा बच्चा बनती है, क्या उसको डर लगना स्वाभाविक नहीं है? है, है? तो वो पहले कुछ देख कर आई है, उसकी वजह से उसको डर है, और अब उसके यहाँ के लोग उसको क्या कहते हैं, डरपोक है, डरपोक है, डरपोक है, तो उसके वो संस्कार को क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा। और फिर सबसे बड़ी इंसल्ट किसी की हम करते हैं, उसको देख वो कितना अच्छा है, वो कोई डरता है, तो दूसरे को क्या फील होने लगता है, हर एक कुछ न कुछ देख कर करके आया है जिसकी वजह से उसके संस्कार मेरे से अलग। अब अगर वो बच्चा डर का संस्कार लेकर आया है, कोई बच्चा झूठ बोलने का संस्कार लेकर आया है, कोई बच्चा तो चीज़ें उठाने का संस्कार भी लेकर आया है, कोई बच्चा केयरलेस है, गलतियां करता रहता है, कोई बच्चे के अंदर एकाग्रता शक्ति नहीं है, वो एक जगह बैठकर पढ़ नहीं सकता है ज़्यादा देर, हमारी जिम्मेवारी क्या है कि उनके संस्कारों को, हमारी जिम्मेवारी क्या है उनके संस्कारों को और अच्छा बनाना है, उनको डांट के, उनकी निंदा करके, उनका मजाक उड़ाकर, या उनको किसी और के साथ कंपेयर करके हम उनके संस्कार को क्या कर देंगे, किसी के संस्कार को बदलना हो तो उसको क्या देने की जरूरत है। अब ये बच्चा है, इसके अंदर डर का संस्कार है, क्या करेंगे इसको, अगर इसको बोला डरपोक है डरपोक है, तो इसका डर का संस्कार क्या हो जाएगा और स्ट्रांग। अब क्या करें इसको, इसको डरपोक है ये, क्या करें, क्या करें, हाँ जी आप बहुत बड़े बहादुर बच्चे हो, तो हम झूठ बोलेंगे ना, यही हम कहते हैं, ऐसे कैसे बोले उसको बहादुर, वो तो डरपोक है, कैसे बहादुर बोले उसको, इसलिए बहादुर बोले उसको क्योंकि बहादुर बोल बोल के सोच सोच के वो एनर्जी उसको दे दे के हमारे संकल्प उसके लिए आशीर्वाद बनते हैं, वो बहादुर 100% बन जाएगा। लेकिन माता पिता सारा दिन अगर डरपोक है बोलेंगे, तो वो इतना डरता था उसके बाद इतना डरेगा। जो दिख रहा है वो नहीं सोचना है, जो देखना चाहते हैं वो सोचना है और बोलना है, वो बन जाएगा। तो ये पावर किसके पास है, ये पावर किसके पास है, हमारे पास है। ये हम अपने लिए भी कर सकते हैं, ये हम बच्चों के लिए भी कर सकते हैं, ये हम किसी के लिए भी कर सकते हैं। जब हम ब्रह्मा कुमारीज में पहली बार आते हैं, अपने सारे दाग अपने सारे गलत संस्कार लेकर आते हैं, परमात्मा कहता है आप पवित्र आत्मा हो, होते नहीं हैं, बहुत मैले हैं, कहता है आप पवित्र आत्मा हो,
आप शांत स्वरूप आत्मा हो, आप प्रेम स्वरूप आत्मा हो, आप दिव्य आत्मा हो। सोचता जाता है, बोलता जाता है, बोलता जाता है, बोलता जाता है, तो धीरे धीरे दाग क्या होते हैं, दाग क्या होते हैं, और फिर वो हमें भी बोलता है, आप भी बोलो अपने आप को, मैं पवित्र आत्मा हूँ। तो जिस बच्चे के अंदर डर का संस्कार है, हमें उसको ये करना सिखाना है कि आपको रोज बोलना है कि मैं निर्भय हूँ, मैं निडर हूँ, मैं शक्तिशाली हूँ। लेकिन हमें अगर उसको बोलेंगे कि आप डरपोक हो, तो वो भी अपने आप को क्या बोलेगा, वो भी अपने आप को क्या बोलेगा, मैं डरपोक हूँ। कितना फर्क है हमारे संकल्पों से, हमारी सोच और बोल से हम दूसरों के संस्कारों को भी बदल सकते हैं। ये पावर हमारे पास है, और अपने संस्कार को भी बदल सकते हैं, ये पावर हमारे पास है। अब जिसको गुस्सा आता है उसको क्या बोलना है, गुस्से का संस्कार खत्म करना है ना, तो क्या बोलना है उसके लिए, मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ, बताइए मैं कौन हूँ, मैं पीसफुल आत्मा हूँ, मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, मैं हर एक को स्वीकार करती हूँ। अगर हम बार बार बोलेंगे मैं गुस्से वाला हूँ, गुस्से वाला हूँ, आसपास के लोग भी बोलेंगे गुस्से वाला है, गुस्से वाला है, गुस्से वाला है, तो अगले साल तक बढ़ जाएगा गुस्सा। फिर हम कहते हैं इनका तो पहले से भी बढ़ गया, ये बढ़ कैसे जाता है अपने आप, आपको दिखता है किसी के अंदर कोई संस्कार थोड़ा सा बढ़ जाता है, किस किस ने किसी के अंदर संस्कार थोड़ा बढ़ता हुआ देखा है कि पहले से थोड़ा सा और बढ़ गया, होता है, होता है, कैसे बढ़ता है, बढ़ता कैसे है किसी के अंदर संस्कार, जितना है उतना ही रहना चाहिए ना, बढ़ता कैसे है, सिर्फ क्योंकि उसके आसपास के लोग बार बार दिन में कई बार वो ही सोचते हैं, वो ही बोलते हैं, वो ही सिर्फ माता पिता थोड़ी करते हैं, फिर दोस्त करते हैं, पड़ोसी करते हैं, रिश्तेदार करते हैं, सारे एक ही बात सोचते हैं, बोलते हैं। अगर पूरी दुनिया मिलकर एक ही आशीर्वाद दे दे किसी को तो वो तो सिद्ध हो ही जाएगा, गुस्से वाला है, गुस्से वाला है, गुस्से वाला है, गुस्से वाला है, गुस्से वाला है। ईजी तरीका है किसी के अंदर भी गुस्सा लाने का। अब शांत स्वरूप है, शांत स्वरूप है, शांत स्वरूप है, वही सोचो वही बोलो। अगर संस्कार बढ़ सकता है तो क्या संस्कार घट भी सकता है? संस्कार बढ़ सकता है तो संस्कार घट भी सकता है, यस? तो बढ़ाने के लिए क्या बोलना है, जो दिखता है वो बोलना है, बढ़ जाएगा। घटाने के लिए क्या बोलना है, घटाने के लिए क्या बोलना है, जो नहीं दिखता है और देखना चाहते हैं वो सोचना है और बोलना है। क्योंकि हर आत्मा के ऊपर कुछ एक कमज़ोर संस्कार हैं, लेकिन बाकी सारे बहुत सुंदर संस्कार हैं। हर आत्मा शक्तिशाली है, हर आत्मा पवित्र है, हर आत्मा है। अब ये बच्चा अगर खाना नहीं खाता, खाना नहीं खाता मतलब ठीक से जितना मम्मी चाहती है उतना नहीं खाती होगी, तो मम्मी क्या कहती है, खाना ही नहीं खाते, ये खाना ही नहीं खाते, खाना ही नहीं खाते, इतना रोज आशीर्वाद देंगे, खाना बनाते बनाते भी सोच लेते हैं खाती तो है नहीं ठीक से, खाती तो है नहीं, खाती तो है नहीं, खाती तो है नहीं, आज भी नहीं खाएगी, कल भी नहीं खाया था। एक एक संकल्प सिद्ध होता है, पढ़ते तो है ही नहीं, खेलते ही रहते हैं, पढ़ते तो है ही नहीं, नहीं पढ़ेंगे। वो उनकी स्पीड है, हमें उनकी स्पीड को क्या करना है, हमें उनकी स्पीड को क्या करना है, धीरे धीरे बढ़ाना है। उसके लिए उनकी इस स्पीड को क्या करना पड़ेगा, स्वीकार करना होगा। नो डांटना, नो निंदा, नो मजाक, नो कंपैरिजन। तो धीरे धीरे उनको हमारे से जो अच्छी अच्छी वाइब्रेशन मिलेगी, शक्ति मिलेगी, उससे सबसे पहले तो हमारे संस्कार ठीक हो जाएंगे। क्योंकि क्या क्या खत्म होगा,
गुस्सा ख़त्म, हर्ट ख़त्म, दूसरों ने मेरी राय नहीं मानी ये अपेक्षा ख़त्म, ये लाइन बोलना कि वो मेरी वैल्यू नहीं करते वो बात ख़त्म। मैं आपको अभी राय दूँ लेकिन आप उसको कैसे स्वीकार करेंगे? अपने संस्कारों के अनुसार। लेकिन क्योंकि आपने उस राय को अभी इमिजिएटली स्वीकार नहीं किया और मैंने कहना शुरू किया मेरी कोई वैल्यू ही नहीं है, तो सबसे पहले किसके संस्कार बिगड़ जाएंगे? हम कहते रहते मेरी कोई वैल्यू नहीं है, मेरी कोई रिस्पेक्ट ही नहीं है। क्यों? क्योंकि मैंने बोला और सामने वाले ने माना नहीं। हमारा रोल क्या है? हमारा रोल क्या है? राय देते रहना। कितनी बार देना? कितनी बार देना? कितनी बार देना? देते रहना। राय देना कभी बंद नहीं करना कि सुनते तो है नहीं, मैं क्यों बोलूं बार बार। देना, क्योंकि वो मेरा रोल है। लेकिन लेकिन राय से भी ज़्यादा क्या देना? राय से भी ज़्यादा क्या देना? राय को इम्प्लीमेंट करने की ताकत देना। हर एक उस राय को यूज़ करना चाहता है लेकिन उसके पास ताकत ही नहीं है। जब हम ये कहते हैं मेरी वैल्यू नहीं, मेरा अपमान कर दिया, ये सारी लाइनें उनकी ताकत को घटा देती हैं क्योंकि हम उनको नेगेटिव थॉट्स भेज रहे हैं। तो जिसको हम चाहते हैं कि वो तेज़ चले उसको हम एक भी नेगेटिव थॉट भेज नहीं सकते। और जब हम उनका इतना ध्यान रख रहे होंगे तो सबसे पहले तो किसके संस्कार बदल जाएंगे? किसके बदल जाएंगे? हमारे। क्षमा नहीं कर पाते हम लोगों को। क्यों क्षमा नहीं कर पाते? क्योंकि उन्होंने कुछ ऐसा व्यवहार किया जो मेरे अनुसार सही नहीं था। हमने सोचा उन्होंने मेरे साथ गलत किया। उन्होंने मेरे साथ गलत नहीं किया, उन्होंने अपने संस्कार के थ्रू कर्म किया। किसी के पास झूठ बोलने का संस्कार है तो वो आकर मुझसे झूठ बोलकर चला गया, लेकिन मुझे बुरा क्यों लगा? उसने मुझसे झूठ बोला, मुझसे झूठ नहीं बोला। उसके पास झूठ बोलने का संस्कार है, वो यूज़ किया। मुझे उसको हेल्प करनी है वो संस्कार को ख़त्म करने में, लेकिन सबसे पहले मुझे अपने आप को ऐसा बोल बोल के अपने आप को दुखी नहीं करना। हर एक आत्मा आज बड़े अलग अलग संस्कार लेकर आ रही है क्योंकि हम अपने संस्कारों का ध्यान नहीं रख रहे, तो हमारे संस्कार थोड़े से होते जा रहे हैं ना, है ना? तो हमारी जिम्मेवारी है कि हम एक दूसरे के संस्कारों को चेंज करने का सहयोग दें। हम दूर दूर जाते हैं, संत महात्माओं के पास जाते हैं, कहते हैं मेरे बच्चे को आशीर्वाद दो, जाते हैं ना, मेरे बच्चे को आशीर्वाद दो। सबसे ज़्यादा आशीर्वाद सारा दिन कौन दे सकता है? सबसे ज़्यादा आशीर्वाद कौन दे सकता है? हम। लेकिन जब हम नाराज़ हो जाते हैं, हर्ट हो जाते हैं, तो सबसे ज़्यादा आशीर्वाद का ऑपोजिट हम ही देते हैं। जिनसे हम प्यार करते हैं उनसे ही हर्ट हो जाते हैं, तो उनको ही हम आशीर्वाद का ऑपोजिट देते हैं। क्या हम देना चाहेंगे ऐसा किसी को कुछ? तो सबसे इम्पोर्टेंट हमें क्या करना है कि रोज़ रोज़ अपने लिए कुछ करना शुरू करें ताकि सामने वाला जो है जैसा है हम उसके लिए सही सोच सकते हैं। उसका व्यवहार, ये प्लास्टिक का फूल मेरे कंट्रोल में नहीं है लेकिन इसके बारे में सोचना कैसे है, वो चॉइस मेरे पास है। राइट। तो हर परिस्थिति में हर व्यक्ति के लिए सही सोचने के लिए सिर्फ मुझे क्या चाहिए? आत्मिक शक्ति,
जिससे मैं सबके लिए सही सोचूं, सबको स्वीकार करूं। तो हम रोज़ ज्ञान क्यों सुनते हैं, स्टडी करते हैं? रोज़ सुबह मेडिटेशन क्यों करते हैं, ध्यान क्यों करते हैं? क्योंकि रोज़ आत्मा को शक्तिशाली बनाने से सही सोचना अपने आप हो जाएगा। रोज़ अगर शरीर का ध्यान रखेंगे तो हेल्दी रहना अपने आप हो जाएगा, और अगर ध्यान नहीं रखेंगे तो कुछ 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 होना अपने आप हो जाएगा। आत्मा का ध्यान रखने के लिए हम क्या करते हैं, हर रोज़ क्या करते हैं? तीन महीने का एक एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं। आप में से किसने मेडिटेशन नहीं सीखा है सेंटर पर आकर, ब्रह्मा कुमारीज में आकर मेडिटेशन सीखा? एक बार करके देखते हैं, सिर्फ करके देखते हैं एक बार। क्या करना है उसमें? रोज़ सुबह सुबह दिन की शुरुआत, जैसे आज सुबह सुबह दिन की शुरुआत अखबार पढ़ने से नहीं, ज्ञान लेने से की है। ये सुबह सुबह का मन का भोजन बदल दिया, सारा दिन की सोच बदल जाएगी। जैसे ही अखबार उठाया तो उसमें क्या, ये गलत ये गलत ये गलत ये बुरे, तो हमारी सोच क्या चलने वाली है, ये गलत ये गलत ये बुरे। अब सुबह सुबह मिले और हमने कहा सब सही, आपने खुद कहा हर एक सही है, वो सिर्फ हमसे अलग है। अब ये सारा दिन में याद रहेगा? क्या हमें ये सारा दिन में याद रहेगा? रहेगा। कितने दिन याद रहेगा? कितने दिन याद रहेगा? यस यस, उससे ज़्यादा नहीं याद रह सकता। अगर आज का पूरा दिन याद रहा तो भी अचीवमेंट है, वो बहुत बड़ी है। खाना रोज़ खाना पड़ता है, और दिन में एक नहीं दो तीन बार खाना पड़ता है, और डॉक्टर क्या कहता है, हर थोड़ी देर के बाद थोड़ा सा थोड़ा सा थोड़ा सा खाते रहो, शरीर को शक्तिशाली बनाते रहो। खाना रोज़ खाना पड़ता है, फ़ोन को चार्ज रोज़ करना पड़ता है। एक दिन चार्ज किया कितनी देर चलेगा? एक दिन सुबह चार्ज किया कितने दिन चलेगा? एक दिन भी नहीं चलता आजकल तो समय ही चला गया कि वो पूरा एक दिन चले फ़ोन चार्ज करके। तो हम क्या करते हैं, वो पावर बैंक भी अपने साथ लेके घूमते हैं आजकल तो, बीच बीच में है। जिस चीज़ को जितना ज़्यादा यूज़ करेंगे उसको बीच बीच में चार्ज करना पड़ेगा। इसको कब चार्ज किया था लास्ट? इसको चार्ज कब किया था लास्ट? तो डिस्चार्ज्ड को तो फिर गुस्सा हर्ट नाराज़गी ये तो नॉर्मल है, लेकिन चार्ज्ड के लिए स्वीकार करना, शांत रहना, खुश रहना, वो नॉर्मल है। तो मेडिटेशन मीन्स हर रोज़ सुबह इसको चार्ज करने के लिए आधा पौना घंटा निकालना। तो इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में हम क्या करते हैं, सेंटर पर आते हैं, पहले हम मेडिटेशन सीखते हैं। तो बहनें हमें मेडिटेशन करना सिखाती हैं। मेडिटेशन ध्यान बहुत 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 इजी है, दुनिया में एक मान्यता हो गई ये तो बहुत मुश्किल है, दूसरा मुझसे तो होता नहीं, सीखा नहीं इसलिए होता नहीं, सीख लिया तो बहुत इजी है। होता क्यों नहीं? क्योंकि आत्मा में ताकत नहीं है, तो आत्मा एकाग्र नहीं हो पाती है। तो आत्मा में ताकत भरने के लिए मेडिटेशन से पहले ज्ञान भरा जाता है, मतलब पहले खाना खिलाएं फिर एक्सरसाइज करें। बिना खाना खाए अगर एक्सरसाइज कर ली तो गिर जाते हैं, ताकत नहीं है। तो पहले खुराक, इसलिए जब हम सेंटर पर आते हैं पहले ज्ञान,
आत्मा कौन है, उसके संस्कार क्या है, परमात्मा कौन है, हमारा उससे रिश्ता क्या है, कर्म क्या है, समय क्या है, ये सब ज्ञान। तो रोज़ आत्मा के अंदर ज्ञान आधा घंटा आधा घंटा आधा घंटा ज्ञान भरता है, आत्मा स्ट्रांग होने लगती है और फिर मेडिटेशन करना बहुत ईजी हो जाता है। अब ये आधा पौना घंटा अगर सुबह निकाला तो आत्मा की बैटरी चार्ज्ड, ऐसी आत्मा दूसरों को वो जैसे हैं वैसे आराम से स्वीकार कर लेते हैं। उसको ये नहीं चाहिए होता कि पूरी दुनिया मेरे अनुसार चलनी चाहिए। क्यों? क्योंकि वो खुद अपने अनुसार चल रहे हैं। जो अपने अनुसार चलता है उसको दुनिया को अपने अनुसार चलाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। जो खुद अपने अनुसार नहीं चलता वो चाहता है सारी दुनिया मेरे अनुसार चले, तभी मैं खुश रह सकता हूँ। तो जितनी आत्मा कमज़ोर उतनी एक्सपेक्टेशन ज़्यादा, जितनी आत्मा स्ट्रांग उतनी एक्सपेक्टेशन धीरे धीरे क्या होती जाएगी, घटती जाएगी, घटती जाएगी, घटती जाएगी। तो एक चीज़ जो हम करते हैं वो है सुबह सुबह आधा पौना घंटा अपने आप को चार्ज। सेंटर पर आते हैं, सेंटर पर आकर ज्ञान सुनते, मेडिटेशन करते, पूरा दिन फिर अपना काम व्यवहार कारोबार। लेकिन सुबह सुबह की चार्जिंग सारा दिन के सोचने के तरीके को बदल देती है। और दूसरा, सुबह सुबह जो मन को भोजन दिया वो सात्विक हो गया, ज्ञान। और दूसरा, जो हम खाते हैं पीते हैं उसका भी मन पर सीधा असर पड़ता है। जैसा अन्न वैसा मन। हम सब सात्विक भोजन खाते हैं, हम सब सात्विक भोजन खाते हैं, यस, हम सब सात्विक भोजन खाते हैं, हम सब सात्विक भोजन खाते हैं। तामसिक भोजन खाने से मन तामसिक हो जाएगा, सात्विक भोजन खाने से मन सात्विक हो जाएगा। तो सात्विक भोजन मतलब, एक तो हमें पता ही है सात्विक भोजन क्या होता है, लेकिन दूसरा है उसको बहुत अच्छे मन की स्थिति में बनाने वाला भोजन। कभी भी कहीं भी बैठकर कुछ भी खा लिया, ये नहीं चेक किया ये कौन बना रहा है ये खाना। 30-40 साल पहले बाहर खाने का कोई रिवाज ही नहीं होता था कि बाहर कौन खाना खाता है। आजकल बच्चे कहते हैं अरे आज घर पे खाना खाना है, चेंज हो गया। एक खाना सिर्फ बदलने से घर का वातावरण बदल जाएगा। तो आधा घंटा जब खाना बना रहे हैं उस समय ये शक्तिशाली आत्मा है, ये शांत स्वरूप आत्मा है, ये परमात्मा के बच्चे हैं सारे मेरे घर, परमात्मा की सारी शक्तियाँ इनके अंदर हैं। अपनी पूजा, अपनी मेडिटेशन, अपना पाठ, अपना मंत्र, अपने भजन, सब खाना बनाने के टाइम यूज़ करना चाहिए। ऐसे नहीं किसी से फ़ोन पे बात करते करते, रेडियो सुनते सुनते, टीवी चलते चलते खाना बनता है, वो खाना सात्विक नहीं होता। उसमें वो सारी बातों की चीज़ें खाने में चली जाती हैं। आधा घंटा खाना सात्विक बनाएं। और घर में जो प्रॉब्लम है, जो किसी के संस्कार में टेंशन है, उसको खाने में डाल दें। ये शक्तिशाली आत्मा है, आज्ञाकारी बच्चा है, बहुत अच्छे से पढ़ता है, सफलता इसके लिए निश्चित है। एंड डेफिनेटली बनाते बनाते ये आशीर्वाद ज़रूर डाल दें, आज मेरा बच्चा ये खाना बहुत बहुत प्यार से खाएगा, क्योंकि ये खाना खाना नहीं है, ये प्रसाद है। कहाँ तो हम डाल देते वो खाना नहीं खाते, और कहाँ हम डाल देंगे कि ये प्रसाद, दोनों में कितना फर्क। तो किचन में बहुत सारा काम हो जाता है संस्कार बदलने का। कर सकते हैं खाना बनाते समय, खाना बनाते समय कर सकते हैं, कर सकते हैं, हाँ।
और जो आपके लिए खाना बनाता है उनको कभी डांटना नहीं, उनसे लड़ना नहीं। उदास करके उनको किचन में भेजना नहीं, क्योंकि अगर वो उदास होकर किचन में गए तो नुकसान आपका ही होगा, क्योंकि आधे घंटे में वो आपकी प्लेट में आ जाएगा वापस। उदास मन की स्थिति में कोई खाना बना रहा है ना, मेरी कोई वैल्यू नहीं, कोई मुझसे प्यार करता नहीं, कोई मुझे रिस्पेक्ट करता नहीं, कुछ भी करो यहाँ तो मेरे लिए कुछ नहीं, ऐसा खाना नहीं खाना, ये बहुत तामसिक है। ये तामसिक भोजन है जिसमें लो एनर्जी गई हुई है खाने में। तो खाना बहुत ध्यान से, जैसे हम नहा धो के खाना बनाते हैं, हम किचन को साफ करके खाना बनाते हैं, इसी तरह मन को भी साफ करके फिर खाना बनाना है, नहीं तो यहाँ की सारी चीज़ें उसके अंदर चली जाती हैं। खाना तो बनाना ही नहीं है, प्रसाद बनाना है, रोज़ प्रसाद बनाना है। तो घर में अन्न सात्विक, धन साफ, सच्चाई से कमाया हुआ, सबको सुख दे के कमाया हुआ। तो धन सात्विक, अन सात्विक, सुबह सुबह ज्ञान सुन लिया, मन सात्विक, अब कोई भी संस्कार चेंज करना बहुत 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 इजी है। रेडी है करने के लिए? रेडी है करने के लिए? यस। जब आप अंदर आए थे आपको एक फॉर्म मिला था, है ना, फॉर्म मिला था, उसको आप पढ़िएगा, उस पर सेंटर का एड्रेस भी था, सुरेश भाई को ऊपर भेजो, उस पे सेंटर का एड्रेस भी था ना, सेंटर के एड्रेस के साथ कोर्स का टाइमिंग भी लिखा हुआ था। तो कल से सेंटर पर 3 दिन का कोर्स रखा है, 10, 11, 12, 2 समय रखे हैं, सुबह 7 से 8 या शाम को 8 से 9। आपने सुना टाइम क्या टाइम था? सुबह 7 से 8, दूसरा टाइम 8 से 9, कितने दिन के लिए? 3 दिन के लिए, 10, 11, 12, 1 घंटा। और अगर किसी भी कारण से ये दोनों में से कोई भी टाइम सूट नहीं करता तो आप सेंटर पर आकर बहनों से बात करके कोई भी दिन कोई भी टाइम कर सकते हैं, लेकिन हमें ये 3 दिन 1 घंटा ज़रूर निकालना है, अपने लिए निकालना है, ताकि हम अपने आप को चार्ज करके अपने और औरों के जो संस्कार चाहें वो हम बदल सकते हैं। इसके बाद हम मेडिटेशन करेंगे, जिसमें हम वो रिकॉर्ड करेंगे यहाँ पर अपने ऊपर कि मुझे अपने और औरों के संस्कार बदलने के लिए कौन से संकल्प करने हैं, खाना बनाते समय कौन सा संकल्प करना है, वो हम मेडिटेशन में अभी करेंगे। लेकिन उससे पहले ये संस्कार बदलना आसान है और किया जा सकता है, कैसे किया है ये शेयर करने के लिए हमारे बीच सुरेश भाई पहुँचे हैं। आपका हमारे बीच में बहुत 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 स्वागत है। नमस्कार, ओम शांति, थैंक यू। आप सबको ऑफिस याद आ रहा होगा ना? नहीं, टाइम है, बात कर सकता हूँ आपसे? मेरा तो बहुत मन है आपसे बात करने का। तो पहले, सबसे पहले हम शिवानी दीदी के लिए एक ज़ोरदार क्लैप्स मारें, बहुत सुंदर बात है कि थैंक यू थैंक यू थैंक यू। दूसरे को क्लैप करने में एक तो अपनी हेल्थ भी अच्छी हो जाती है, क्योंकि क्या होता है उसको एक्यूप्रेशर कहते हैं ना, वो भी हो जाता है, और एक अप्रिसिएशन करने की आदत हो जाती जो मुझ में बिल्कुल नहीं थी। कोई भी कुछ बोला, हाँ ठीक है हम भी कर सकते, अरे वो कितना अच्छा देखो डांस, अरे हमको भी आता है, वो कितना अच्छा फिल्म में काम करता है, हाँ ठीक है।
तो संस्कार ऐसे बात चल रही थी, आप लोगों को आज का कौन सा पॉइंट अच्छा लगा दीदी का? संस्कार के ऊपर अच्छी बात हुई या कोई और अच्छा लगा? मुझे तो संस्कार पे बहुत अच्छा लगा था, मैं सुन रहा था बैठ के, क्योंकि क्या है ना, संस्कार एक ऐसी चीज़ है जो जन्म 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 पता नहीं कितने जन्म से आती है। मैं जब माँ के पेट में था तो सिर्फ पाकिस्तान में लड़ाइयाँ ही देखी, फिर बाहर छोटा गोद में आया तो भागते हुए ही देखा, भाग रहे हैं लोग, मर रहे हैं, मर्डर, चीख पुकार, ट्रेनों की आवाज़, ट्रेन में जगह नहीं मिलती थी, लोग ट्रेन के ऊपर भी थे, और गुस्सा इतना। तो धीरे धीरे जब छोटा था तो मेरा संस्कार भी ऐसे ऐसे बढ़ा दिए, क्योंकि मुझे ऐसी बात करने की आदत हो गई थी, कोई भी पूछता था भाई आप वहाँ क्यों खड़े, मैं अपने पाँव पे खड़ा हूँ, तेरे बाप के पाँव पे है क्या? ये लैंग्वेज थी। और सब किसी को डांट देता था, सब लोग बोलते थे वाह जी वाह क्या गुस्सा है सुरेश ओबेरॉय जी का। मेरे मुझे गुगा बोलते थे, अब तो सुरेश ओबेरॉय बन गया, गुगा का गुस्सा। अरे घर में मैं छोटा, लेकिन भाई के बच्चे कुछ गड़बड़ करते हैं तो बोलते गुग्गा को बोल देंगे, गुस्सा आएगा ना, गुग्गा चाचा डांटेगा। करते करते मुझे सामने का गुस्सा फ्रंटमैन बना दिया, और उसकी तारीफ करते करते मेरा और संस्कार पक्का होता गया। तो धीरे धीरे मैंने नोट किया कि मेरे अंदर बहुत सारे वो हैं जो कि निकाल सफाई करने वाले, गुस्सा भी है, अहंकार भी है। अहंकार तो इतना कि भगवान भी क्या चीज़ है, तू कौन होता है यार, यहाँ तक किसी से भी खड़े हो जाना, कहीं भी लड़ पड़ना, कहीं भी चले जाना, सबसे डेंजरस गली में जाके खड़े हो जाना, पागल मैडनेस। अगर मैड नहीं होता आदमी तो 400 रुपए लेके बम्बई थोड़ी आता एक्टर बनने के लिए, बाप की दुकान मकान छोड़ के, फैमिली छोड़ के, गाड़ियाँ छोड़ के, नौकर जायदाद छोड़ के कोई भागता है तो थोड़ा क्रेजी होगा। तो मैं जैसे दीदी बात करे तो मैं सोच रहा था कि मुझे ट्रेन की सीटी से बहुत डरता था, कू, और ये सब देख देख के वो पाकिस्तान से जब भागे थे, मुझे मेरे अंदर फियर था और एंगर भी था, फियर भी था एंगर भी था। वो ट्रेन में ही नहीं बैठता था मैं तो। धीरे धीरे हमारे यहाँ एक पब्लिक गार्डन था हैदराबाद में, हम लोग बड़े हुए, उसका नाम था बागे आम, तो मेरी माँ घुमाने लेके जाती थी। धीरे धीरे उसके अंदर से, उसके एज पे से एक ट्रैक था रेलवे का, वो ट्रेन जैसे जाती थी मैं ऐसे हो जाता था डर के। तो वो मेरा नाम उसने बोला, मेरा पुत्र तेज बहादुर, मालूम है गुरु नानक जी के कौन थे तेज बहादुर, फिर तेज बहादुर नाम रख दिया। तो हर बात में मैं तेज बहादुर, मैं भी ऐसे हो जाता था 2 मिनट के लिए, लेकिन फिर कभी ट्रेन आए फिर डर जाता था। तो धीरे धीरे लेके जाके ट्रेन के पास तक, ट्रैक तक ले गए एक दिन। उसके बाद तो ये हुआ कि हमारे उस ज़माने में छोटे छोटे कॉइन्स आती थी, एक एक पैसे की, वो क्या कॉपर की, तो बट रेलवे ट्रैक पे रखता था, ट्रेन जाती थी चपटा हो जाता था, अरे खुश होके निकल गए। तो देखिए कैसे संस्कार माँ बाप बदल सकते हैं और कैसे ये होता है। लेकिन मेरे अंदर बाद में जब बम्बई आया तो फिर ये हाल था मेरे गुस्से का, कि जब मैं 7th फ्लोर पे रहता था और नीचे ग्राउंड फ्लोर दबाऊं तो लात मारता था, किसको? लिफ्ट को, अरे जल्दी चल जल्दी चल जल्दी उतर, अरे लिफ्ट क्या जल्दी उतरेगी, पागल है क्या जल्दी। और बीच में अगर कोई 2 माले पे रोक लिया, अरे यार तू 2 माले के लिए क्या नीचे लिफ्ट लेता है, नीचे जाना चढ़ना थोड़ी है, तो 1 पे भी लेता है क्या, उससे भी लड़ाई। बाहर उतरो तो किस्मत में वो ही टाइम पे मेरे ड्राइवर को बाथरूम आता है, और ड्राइवर कहाँ है, देर हो रही। सुबह मेरी शुरू कैसे, जल्दी जल्दी लिफ्ट को लात मार के शुरू, बाद में ड्राइवर को नीचे गालियां दे, डांट रहे हैं, अकल नहीं है कि तुमको इतनी देर हो रही है। अरे किस बात की देर है मालूम नहीं, रोज जाते हैं ठीक है, देर हो रही। फिर वहाँ और जैसे आप करते हो, जैसे बिहेव, लाल लाइट,
अरे ये लाल लाइट भी ऐसे टाइम पे आनी है, मतलब फिर उसकी एक ऐसी सेंस हैबिट हो गई थी, इधर खड्डा दिखा तो म्यूनसिपैलिटी ऐसी है, वो है तो ये ऐसा है, वो तो शूटिंग में जाओ तो पता चला अभी शूटिंग 3 घंटे देर है। मतलब उस जमाने में तो फोन वोन भी नहीं थे, लेकिन फिर मैंने सोचा कि बहुत ये थक गया, ये अपने संस्कारों से ही थक गया, लोग भी बोलने लगे, मुझे ही अपने आप से नफरत होने लग गई थी कि, और कहीं मैंने पढ़ा भी था देखा भी था कि आपके कंपैरिजन बिटवीन ये कलाकार तो अच्छा है लेकिन आदमी ठीक नहीं है, किसी के बारे में किसी ने बोला था ये बहुत अच्छा टैलेंटेड है, तो मैंने बोला यार टैलेंट तो मुझ में भगवान ने दिया, मैं कलाकार तो ठीक ठाक हूँ, अच्छा हूँ, आवाज़ भी भगवान ने इतनी दी, तो अब ये मैं जो हरकतें करता हूँ वो कैसे बदलूँ। तो जाके पूजाएं भी की और पूजा भी कैसी, अरे पूजा करते करते अरे भाई ड्राइवर को बोलना गाड़ी रेडी रख, ओम जय जगदीश हरे, अरे मेरे वो टिफिन के पानी जरूर लेके जाना स्वामी जय, उसके बाद अरे आज फूल ही कम दिया, एक भगवान नाराज हो जाएगा, अभी काम करते तोड़ो तोड़ के टुकड़े 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 करे पूरे देवी देवता, अरे जहाँ जाते थे मंदिर में जिधर जाते थे एक फोटो दे देता था, सुरेश भाई ये घर ले जाओ, अच्छा अभी तेरे मंदिर की भी ले ली उधर गए, ये सुरेश भाई घर ले, अभी कहाँ रखेंगे, बाहर रखो तो डर लगता था कि फोटो की बेइज्जती होगी, तो मंदिर पर चिटकाओ, बुलाओ रोज खिला मारो नया 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 फोटो रोज। तो ये फियर और एंगर इतना दुखी किया था, एक फूल को तोड़ के एक पत्ता पत्ता डालने लग गया, भाई ये अब गुस्से में आ जाएगी तो इसकी बेइज्जती हो जाएगी, इसका ये हो जाएगा, कितना कैसा जीवन था, बाहर से मर्सिडीज बेंज में जा रहे हैं, बड़े बड़े लोग विश कर रहे हैं, बाहर जाके लोग वेट कर रहे हैं ऑटोग्राफ की, और अंदर मेरा ये हाल, देखा जीवन, देखो जीवन ऐसे ऐसा जीवन था। फिर जाके गुरुजी के पास गए, उन्होंने उनको पूछा, गुरुजी मुझे ड्राइवर ऐसा मिलता है, फलाना ऐसे मिलता है, ऐसे वो मिलता है, ये मिलता है, तो उन्होंने बोला, वो दो ही शब्द बोलते थे, कौवा का का करता है, बिल्ली म्याओं म्याओं करती है, मेरा ये भी पागल गुरु है, मैं बोल रहा हूँ मेरी परेशानी, वो कौवे की बात कर रही है। फिर वो उनका देहांत हो गया तो शायद उनके आशीर्वाद से या भक्ति से, बहुत किसी भगवान की कृपा से मैं ब्रह्मा कुमारी इसका प्रोग्राम देखा इनका, और शिवानी दीदी तो खैर उन तो उनकी बात तो ऐसी होती है, ऐसे हेलो आपको ऐसा करना है, धीरे बोलो मीठा बोलो है शांत। मैंने बोला यार ये क्या है जादुई कौन है इतना मीठा बात कर दी कर तो उन्होंने मुझे मजबूर कर दिया किताब पेंसिल रखने का, और किताब पेंसिल रख के हाथ में रोज नोट करता था, रोज ये नोट कर लेता था कि भाई सबसे पहली चीज मुझे जिसने मेरा जीवन और संस्कार बदला वो है कि यू आर अ सोल विद द बॉडी। मैं समझता था ये बॉडी पे है, अंदर कोई सोल वोल बैठा हुआ है, लेकिन मुझे मालूम ही था मैं ही सोल हूँ, मैं ही खाता हूँ, मैं ही करता हूँ। तो उसको निकालने के लिए, उस घुसाने के लिए दिमाग में नींद से सुरेश ओबरॉय सोल विद द बॉडी, जिसका नाम सुरेश ओबरॉय, वो नींद से उठा है, उठते ही शुरू हो जाता था अपना, क्योंकि इतना शौक जैसा था मुझे बदलने का, थक गया ना, आदमी बीमार होता है 25-50 डॉक्टर के पास जाके थक के बोलता है लास्ट, नहीं तो अभी मर जाऊंगा। तो मेरी तो बीमारी बहुत ज्यादा थी, जो लिफ्ट को आदमी लात मारता है आप सोचो, तो घर पे क्या होता होगा, कोई खाना एक्स्ट्रा डाल दिया तो उठा के प्लेट फेंक देता था, तेरे को किससे बोले डालो, ये नेचर कोई अच्छा है क्या, तो मैं ही पसंद नहीं कर सकता, प्लेट ही फेंक देता था, तेरे को किसने बोला एक्स्ट्रा डालो, तेरे को मालूम है ना झूठा झूठा छोड़ना पसंद नहीं है लेकिन खाना फेंकना ठीक है, देखो बुद्धि भ्रष्ट क्यों, क्योंकि सारी रात किसमें बीतती थी आप समझ जाओ, अब मैं बोल भी नहीं सकता वो शब्द, अब तो बोलने के लिए
मुझे भी मन नहीं करता है, पूरी रात इन चीजों में खाने पीने में बीतती थी ना, तो कैसे गुस्सा आएगा। इनको जब मिला देखा तो सोल, तो ईच एंड एवरी थिंग स्टार्टेड चेंजिंग। अ सोल ब्रशिंग हिज टीथ, सोल हैविंग अ बाथ। लेकिन सेकेंड स्टेप थोड़े दिन तक समझ में नहीं आया था कि मेरा नौकर भी तो एक सोल है, वो तो है। देखो बोले कितनी बार बोल, वो नहीं गया था नेचर, मैं तो सोल बन गया। फिर बाद में देखा, नेक्स्ट स्टेप समझ में आया कि यार तू भी इस लाइफ में, ये वर्ल्ड में ये ड्रामा है, जैसे सिनेमा में हम फिल्मों में करते हैं ड्रामा, एक सेकंड में वहां तो चेंज होता है मूड, रोते 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 सीन, रोते ड्राइवर डायरेक्टर बोलता है खड़े, गुड शॉट सुरेश, बोलता है हंस हंस के, हाँ ला चाय पिला, कैसे चेंज होता है एक सेकंड में चेंज। लेकिन यहां जो अंदर के संस्कार है वो ऐसा फिल्म वाली शूटिंग का कट इट कर डायरेक्टर है गुड गुड बोलने से कर, नहीं होता है। बहुत मेहनत लगी उसमें, और मेहनत क्या थी, सिर्फ क्लास में जाके बैठना ब्रह्मा कुमारी के सेंटर पे और सुबह मेडिटेशन करना। इसको आप बहुत मेहनत बोल लो या सिर्फ बारिश में बैठ जाओ, अपने आप भीग जाते हैं। मैं सच्ची बोलता हूँ, आपको कुछ नहीं करना है इस ज्ञान में, वो अपने आप टपक 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 के आपसे करवाता है। मैंने ना तंबाकू छोड़ा, अपने आप छोड़ गया ना। मैं खान पान, मैं कोई आसपास घर के पास कोई तड़का देता है ना प्याज का, तो खिड़कियां बंद करवा के नाक बंद करके बैठता, वही सुरेश उपरा जो बिना कच्चे प्याज के हाथ से मुक्का मार के ऐसे खाता था। तो ये सारा चेंज जो आया है, खान पान, मेडिटेशन और यहाँ, तो वो ही लिफ्ट को लात मारने वाला। आज कोई कुछ भी बोलता है, कहीं बोलता है, नौकर उस दिन मुझे बोला घर पे, ये क्या शर्ट पहन के जा रहे हैं आप गोल्फ के लिए, कितनी गंदी है, इतना। अरे क्या, पहले तो आया कि एक थप्पड़ मारूं, क्या पागल है क्या, फिर एक सेकंड के अंदर मतलब इमीडिएटली, अच्छा बेटा दूसरी दे दे, वो दूसरी ला, ये पहन के जो बाहर जाने का है आपको, ये क्या पहन के जा रहे, इतना सा लड़का बोला। तो आज कितना चेंज है, कोई थिएटर में बात करे पीछे तो ऐसे गुस्से में देखता था, यार तुम घर जाके बात करो ना यार, कोई टेबल पे पलंग में ऐसे बाजू कुर्सी पे ऐसे पैर हिलाए तो मेरा दिमाग हिलता था। वो पूजा के टाइम पे मेरी बीवी का ही फोन आता था, बहन का मेडिटेशन, मैं चिल्लाता था अरे मैं मेडिटेशन कर रहा हूँ, तुम बंद करो फोन, दूसरे कमरे में जाओ। अरे इतना बड़ा घर है, दूसरे कमरे में जाना, यही कमरे में तेरे को करना है। लेकिन नीचे मच्छी ले लो, भाजी ले लो, चाय ले लो, वो चिल्लाए वो कुछ नहीं। तो वो कौवा काका वाली बात बाद में समझ में आई ब्रह्मा कुमारी का ज्ञान, कि भाई वो भी तो कौवा है, इन्होंने जैसे बोला संस्कार उसके हैं। कौवा काका कर रहा है, रॉन्ग कर रहा है, कि जैसे दीदी पूछ रहे थे अभी, वो बच्चा क्या रॉन्ग कर रहा है, कौवा कहाँ कहाँ करेगा, तो नहीं तो और क्या करेगा। मैं जाके, मैं तो वो सुरेश वरे होता तो बोलता, अरे भाई तू भी काला है, भगवान ने तेरे को अक्ल दी, कोयल से कुछ सीख लेना, को मीठा मीठा बोलना। अभी देखो कितना पागल आदमी बोलेगा कि सही नॉर्मल आदमी ये बात करेगा। अब समझ में आया कि बिल्ली म्याओ म्याओ कौवा कहाँ कहाँ करेगा ही, तो करेगा ना, तो वहां से एक्सेप्टेंस कैसे आता है, आता है ना। चलो आप लोगों को भी जाना है, एक सुंदर प्यार, हर चीज जो है बेस उसका प्यार से कैसे होता है, मैं आपको आधे मिनट में एक लाइन सुनाऊंगा। तीन बूढ़े बूढ़े आदमी बाहर बैठे थे, दिवाली की रात थी, तो एक औरत सफाई घर की करती थी, करके बाहर आई तो देखी तीन बूढ़े बैठे हैं, पूछते कि भाई आप बाहर से आए, लगते पानी वानी पियो, आओ अंदर आओ। तो बोलती नहीं, हमारा एक रूल है कि घर का मालिक घर पे है, आपके पति देव हैं तो हम आएंगे, नहीं तो नहीं। तो वही थोड़ी देर में आ जाएंगे, तो पति आ जाता है, फिर वो बुला लेती है, तो बुलाती है, तो हमारा एक और रूल है। अरे भाई अब क्या रूल है, पहले पूछ के पहले आए कौन,
पहले कोई अंदर आए तो बोले भाई आपका नाम क्या है, तो बोले मेरा नाम है सक्सेस। दूसरे का नाम क्या है, मेरा नाम है वेल्थ पैसा। आपका नाम क्या है, मेरा नाम है लव। अब सक्सेस लव क्या, सक्सेस लव वेल्थ, सक्सेस लव। पति को बोले भी इनके बड़े रूल है, आप मुझे बोले बुलाओ क्या। तो वो आपस में लड़ाई शुरू हो गई, वो बोलते तुमको अक्ल नहीं, दिवाली के दिन लक्ष्मी आनी चाहिए ना, इतने भी पूछने आती है क्या मेरे से, बुलाओ लक्ष्मी को। तो बोले नहीं नहीं, हम सक्सेस को बुलाते हैं। क्यों, सक्सेस चाहिए लाइफ में, सक्सेस आएगी तो पैसा खुद ही आएगा। उस पर ही डिबेट चालू हो गया घर में झगड़ा। तो एक ब्रह्मा कुमारी बहन थी, उसने बोला एक काम करो ना, सक्सेस को भी बुलाओ, नहीं कौन बच गया, लव बच गया, उसको बुलाओ ना, आप दोनों झगड़ा बंद करो। तो उसको ज्ञान था, उसने दे दिया। तो आए, बोले चलो लव जी आप पहले आइए अंदर, आपको बुलाया है। तो लव जी आए, जैसे लव जी कदम रखे पीछे पीछे तीनों तीनों अंदर घुस गए। अरे उसको गुस्सा आया, उसे बोले ये क्या चक्कर है भाई, इतना हमारे घर में झगड़ा हो गया, पहले कौन है पहले कौन है, तीनों आ गए। तो उन्होंने बोला हमारा एक रूल और है, जहां भी लव जाता है हम उसके पीछे पीछे आते हैं। थैंक यू सो मच। ओम शांति। अभी जो हम 2 मिनट के लिए करेंगे, लेकिन हम ये करेंगे कि हमें सही संकल्प कौन सा करना है, सही सोचना क्या है, जो हम अभी करेंगे फिर हम घर जाके रोज करेंगे। सुबह उठते ही पहले करेंगे, रात को सोने से पहले करेंगे, दिन में कई बार करेंगे, खाना बनाने समय करेंगे, खाना खाते समय करेंगे। तो जब दिन में कई बार संकल्प कर लिया सही, तो संस्कार तो बदल जाएगा। और कल से हम मेडिटेशन सीखने आएंगे। कौन कौन आएगा मेडिटेशन सीखने 3 दिन के लिए? हाँ, तो आपको जो फॉर्म दिया है ना, उसमें एक नीचे पार्ट है जिसमें आपको सिलेक्ट करना है कि आप सुबह के टाइम आ सकते हैं या शाम के टाइम आ सकते हैं। तो उसको टिक करके बाहर जाते समय उस पर्ची को फाड़ के सबमिट करके जाना। और अगर कल परसों नहीं किसी को सूट करता है तो फिर बाद में कोई भी दिन कोई भी टाइम, लेकिन ये 1 घंटा अपने लिए ज़रूर निकालेंगे। मेडिटेशन के बाद हम घर तक मौन में चलेंगे बिल्कुल, और जैसे जैसे जिसको कहा जाएगा उठने के लिए वो ही उठेंगे, सारे इकट्ठे नहीं उठेंगे। 2 मिनट में हॉल खाली होगा, लेकिन साइलेंस में। घर तक मौन में जा सकते हैं हम? घर तक मौन में जा सकते हैं ना, आत्मा की ताकत बढ़ती है। और चेक करते करते जाएंगे किस किस के संस्कार को मुझे स्वीकार करना है, कौन सी अपेक्षाओं को मुझे धीरे 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 फिनिश करना है। ओके जी, सिट कंफर्टेबल। शरीर को चलाने वाली शक्ति, मैं दिव्य आत्मा हूं, मैं दिव्य आत्मा हूं, मेरी हर सोच, मेरा हर बोल प्यार और सम्मान से भरपूर है। हर सोच, हर बोल प्यार और सम्मान से भरपूर है। हर एक को सुख देने वाली आत्मा हो,
हर एक के संस्कार मेरे से अलग है। वो अपने नजरिए से बिल्कुल सही है, मेरे से अलग है। वो जैसे हैं, मैं उनके संस्कार को स्वीकार करती हूँ। मेरा घर स्वर्ग है। हर संबंध मधुर है। हम प्रसाद खाते हैं और अमृत पीते हैं। सर्वशक्तिवान परमात्मा की शक्तियाँ, ज्ञान और प्यार मुझ आत्मा में भरपूर है। आज सारा दिन चाहे कोई भी बात आए, कोई कैसा भी व्यवहार मुझसे करे, कुछ भी कहे, मैं शक्तिशाली दिव्य आत्मा हूँ। कल से एक घंटे के लिए मैं अपना समय निकालकर आत्मरूपी बैटरी को चार्ज करने की विधि सीखकर अपने और अपने आसपास सबका जीवन परिवर्तन करने का निर्णय लेती हूँ। बिल्कुल इसी साइलेंस में हम घर तक चलेंगे, अपने रिश्तों को देखते हुए, और हर एक के लिए हमें कैसा सोचना है उसको चेक करते हुए।